इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी आमने सामने हो चुकी है। भारत में 600 पाकिस्तानी हाईली ट्रेंड एसएसजी कमांडोज घुस चुके हैं। कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद ने मुहर लगाई है। आतंकियों के साथ पाकिस्तानी सेना के एसएसजी कमांडोज भी मौजूद हैं। 600 पाकिस्तानी एसएसजी कमांडोज जो हैं मुजफ्फराबाद के रास्ते जम्मू कश्मीर में दाखिल हुए हैं और जम्मू कश्मीर के हालात वो खराब कर रहे हैं। पाकिस्तान के एसएसजी कमांडो आतंकियों की मदद कर रहे हैं। 500 से 600 एसएसजी कमांडोज की संख्या है जो घुसपैठ कर चुके हैं। वो तो पहले भी तो अल्लाह के नाम से हमने हमारे वहाँ पर मुजाहिदीन हमेशा लड़ते रहे और लड़ते रहेंगे और अभी मौजूद है वहाँ पर। हमारे फौजी उनकी मदद भी करते हैं। हम तो बराबर कहते हैं कि हमारे वहाँ मुजाहिद बैठे हुए हैं वहाँ पर लड़ने के लिए, हमको डरते किसी से। अमजद मिर्जा ने बोला कि 600 जो एसएसजी कमांडोज हैं पाकिस्तानी कमांडोज वो 50-50 के ग्रुप करके उड़ी से आए। पर ये है कि इंडिया के पैरा कमांडो बकायदा तौर पर जम्मू में आ चुके हैं, उनकी गवर्नमेंट की तरफ से उनकी आर्मी की तरफ से भेजा जा चुका है। उनका ये है कि यू नो ये टेररिज्म करेंगे, इंडियंस हमको रिस्पॉन्ड करेंगे, जब इंडियंस रिस्पॉन्ड करेंगे हम लोगों ये दिखाएंगे कि देखो जी हिंदुस्तान हमारे लिए बहुत बड़ा एक खतरा है। और इंडियन मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के आईएसआई या पाकिस्तान के जो आर्मी है मिलिट्री है वहाँ से भी कुछ सिविल में जम्मू में या इस तरीके से उस इलाके में पहुँच चुके हैं। अगर तुम्हारे इतना हौसला है तो उसका मुकाबला करो, आगे पता लग जाएगा कि जम्मू कश्मीर से थोड़ा हटके बाहर आओ पाकिस्तान और हमारे मुजाहिदीन का मुकाबला करो, पता लग जाएगा कि कश्मीर किसके पास जाता है। ऐसी सिचुएशन में आपको मैं भी बोलूं जाएं जी कश्मीर में जाके जंग कर लें या जंग लड़ लें, क्या आप जाना चाहेंगे? आप इस काबिल ही नहीं अभी है कि हम उधर चले। कोई भी मामला किसी तरह का भी हो, इंडिया ने हमेशा झूठ ही का बुलंदा इस्तेमाल किया है पाकिस्तान के खिलाफ, प्रोपोगंडा करता रहता है, वो कोई ना कोई सूरतयाल देखता है। अब ये सूरतयाल किस तरह पैदा हुई है? ये सूरतयाल पैदा हुई है परसों के बयान से, परसों जब हमारे वजीर खजाना ने बैठ के बयान दिया कि हमारा ब्लॉक जो है ना चाइना और रूस के साथ है। जो इंडिया ने अपनी पॉलिसी इस्तेमाल कर ली है, जो उन्होंने लोगों को पैसे बांट दिए, मुल्कों को बांटे हैं, वो ठीक है, हमारा ब्लॉक जो है पाकिस्तान और चाइना और रूस का, इसका रद्द अमल देखते हुए उन्होंने कोई ना कोई बयान बनाना पड़ेगा। वो उसका रद्द अमल बनाते हुए उन्होंने पाकिस्तान का कश्मीर के मामले पर उठाया, मानों का नहीं लोग पाकिस्तानी कमांडो इस्तेमाल हो रहे जी। वो तो पहले भी तो अल्लाह की रहमत से हमने हमारे वहाँ पर मुजाहिदीन हमेशा लड़ते रहे और लड़ते रहेंगे और अभी मौजूद है वहाँ पर। हमारे फौजी उनकी मदद भी करते हैं। हम तो बराबर कहते हैं कि हमारे वहाँ मुजाहिद बैठे हुए हैं वहाँ पर लड़ने के लिए, हमको डरते किसी से। अगर तुम्हारे में इतना हौसला है तो उसका मुकाबला करो, आगे पता लग जाएगा कि जम्मू कश्मीर से थोड़ा हटके बाहर आओ पाकिस्तान और हमारे मुजाहिदीन का मुकाबला करो, पता लग जाएगा कि कश्मीर किसके पास जाता है। लेकिन अगर हम बात करें इंडियन मीडिया की तो इस वक्त तो ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो अंडर अटैक है, पाकिस्तान की आर्मी ने या पाकिस्तान के जो एसएसजी कमांडोज हैं उन्होंने कश्मीर पर हमला नहीं किया, वो कश्मीर के अंदर नहीं घुसे, उन्होंने इंडिया पर हमला किया है, वो इंडिया के अंदर घुसे हैं और इंडिया इसका जवाब देगा। कहा जा रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक और जंग शुरू होने वाली है। मैंने उस दिन आपको बात की थी कि उन्होंने जो पैसे दिए हैं वो उन्होंने कश्मीर को अपने सूबे के तौर पर इस्तेमाल किया है कि ये हमारा सूबा है। उन्होंने उसको कश्मीर को बजट जो दिया 40,000 करोड़ का बजट अनाउंस किया है, उन्होंने उसने ये साबित किया कि वो हमारा सूबा है। हाँ, उसने हमारे पाकिस्तान ने हमारे सूबे पे अटैक किया है, भाई अटैक किया है तो उसका जवाब करो, आओ मुकाबला करो सामने आगे। अगर इतनी तुम्हारे में तुमने इतना बजट दिया है, तुम्हारी इतनी फौज वहाँ मौजूद है, अगर हमारा 600 गया है वहाँ फौजी गया है तो उसका मतलब हमारे फौजी 600 फौजी से आप डर गए, लोग आप घबरा गए हो, तो आपके में फाइट करने का मुकाबला करने का कोई जरूरत नहीं कि आपके अंदर, आपने कितने कश्मीरी वहाँ पर शहीद कर चुके हैं अब तक वहाँ पर, उसका कौन जवाब देगा? और जितनी दहशतगर्दी किस दुनिया के किसी कोने में होती है वो पाकिस्तान करवाता है। अगर ये आपका इल्ज़ाम वो जो कर रहे हैं ना, अगर पाकिस्तान सीरियस नोट पे आ जाए ना कि हमने अगर हमला करना है तो उनका कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है, क्योंकि जब मुजाहिदीन वहाँ पे लड़ते रहे हैं तो इंडियन आर्मी कहती रही है कि यार हमारे सर कलम ना किए जाएं, इतनी बेइज्जती हमारी ना की जाए कि जो हमसे अफोर्ड ना हो सके पूरी दुनिया में। ये उसमें भी पाकिस्तान की आर्मी की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, लोकल लोगों ने खुद हिम्मत करके मुजाहिद बने और डेवलपमेंट की, यहाँ के जितने मदरसे हैं उन्होंने फंडिंग करके उनको लड़ने के लिए भेजा, वो उनसे नहीं लड़ सकते तो पाक आर्मी तो बहुत दूर की बात है। हमारी जंग किस चीज़ से है? गुरबत से, बेरोजगारी से, करप्शन से, या फिर इंडिया से, अमेरिका से, किस चीज से जंग है? अभी तो गुरबत के साथ जंग हो रही है, ठीक है, लेकिन अभी खबरें आ रही हैं कि कश्मीर में ऐसा एक माहौल बन चुका है, जम्मू एंड कश्मीर की अगर बात करें वहां से भी उनकी स्पेशल फोर्सेस जो 500 पैरा कमांडोज हैं इंडियन आर्मी के वो वहां पे मौजूद हैं टेररिस्ट के खात्मे के लिए या जो भी वहां पे इल्लीगल एक्टिविटीज हो रही हैं उनके लिए। पाकिस्तान से भी खबरें, मतलब उनके इंडिया की मीडिया ये कह रहा है कि पाकिस्तान के जो आर्मी के लोग हैं वो सिविल में वहां पे मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? अगर लेट्स सपोज अगर जंग होती है, अल्लाह ना करे, तो क्या आपको लगता है कि ये बेहतर चीज है? जंग होती है तो जंग होगी तो फिर तो हम जाहिर बात है फौज के साथ है, जबरदस्त
नहीं नहीं देखे मैं वो तो, लेकिन होनी चाहिए नहीं, नहीं? जंग तो नहीं होनी चाहिए, मैं यही कह रहा हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे, ऐसी सिचुएशन में गुर्बत के खिलाफ लड़ना चाहिए, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ना चाहिए, जाके इधर लड़े उधर लड़े, इंडिया से लड़े इधर उधर लड़े, क्या कहना चाहेंगे? पहले बात ये है कि हम अपने रोजी रोजी के लिए लड़ना चाहिए हमें, ठीक है। उसके बाद अगर कोई टाइम है तो इंशाल्लाह जरूर जंग लड़ेंगे, क्योंकि हमारा मुल्क बना है पाकिस्तान, ला इलाहा की बुनियाद पे बना है, हमें उसके बहुत ज्यादा नहीं तो देखे ला इलाहा की बुनियाद पे बना है तो इसका मतलब है जंग लड़ेंगे, लड़ेंगे अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम लड़ेंगे, लेकिन हमें हमारे मुआशी भी तो ठीक होना, ठीक है सर। आप इनकी बात से एग्री करते हैं, वो कहते हैं पहले अगर रोजी रोटी पूरी होगी तो जाके जंग लड़ेंगे, शायद इसी सोच की वजह से फिर हमारी रोजी रोटी नहीं पूरी हो रही, हमें पता है या दुनिया को पता है इनकी रोजी रोटी पूरी होगी फिर ये जंग की तरफ आएंगे, ऐसे ही है, ठीक है। आप क्या कहना चाहेंगे अगर आपको भी कहें जी भाई जाए कश्मीर में जाके जंग लड़े तो आप तो पहले रोजी रोटी के लिए लड़ेंगे, बच्चों के लिए लड़ेंगे, बच्चों के लिए लड़ेंगे, उसके बाद कुछ सोचेंगे, अब तो सोचना कि ये हमारे हुक्मरान ही नहीं ठीक, नहीं 76 साल से ये मसला हल क्यों नहीं हो रहा, ये कश्मीर नहीं हो रहा कि ये कश्मीर के ऊपर कारोबार हो रहा है, ये मतलब मेरे ख्याल से मेन चीज ही है, समझ ये कश्मीर के नाम पे कारोबार हो रहा है, ठीक है। अगर ये जंग खत्म करनी होती तो काफी देर पहले भी तो कर सकती है। इंस्टेड ऑफ मेकिंग बेटर रिलेशंस ये टेररिज्म को और बढ़ावा क्यों दे रहा है, उसके पीछे रीजन ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर के हालात, पाकिस्तान आसिम मुनीर को ये लगता है एक तो लोगों में पाकिस्तानी आर्मी को लेकर एक तो पाकिस्तानी आर्मी की जितनी भी गुडविल थी वो खत्म हो चुकी है, आज की डेट में पाकिस्तानी आर्मी का जो आप बोलो स्टेटस है पाकिस्तान के अंदर, या आप ये बोलो जिसको ये रुतबा बोलते हैं हमारा रुतबा है, वो एट इट्स लोएस्ट एब है, मुझे नहीं लगता 70 साल में पाकिस्तानी आर्मी का इतना बुरा हाल हुआ है जितना आज की डेट में लोगों के सामने पाकिस्तानी आर्मी का है, एस्टैब्लिशमेंट का है, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट का है, दे आर एट द लोएस्ट, पूरा उनका वो कॉन्फिडेंस जो है वो खत्म करके बैठे हुए हैं। सो आसिम मुनीर का कहीं ना कहीं जो प्लान है वो ये है कि देखो इंडिया और कश्मीर पे जो है पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट और कंट्री कॉल पाकिस्तान जो है वो ऑपरेट करता है, ठीक है। अगर कश्मीर और इंडिया पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट की डिक्शनरी से बाहर निकाला जाए तो पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट कलैप्स कर जाएगी, उनके पास और कोई तरीका नहीं होगा कंट्रोल करने का। सो उनका ये है कि यू नो ये टेररिज्म करेंगे, इंडियंस हमको रिस्पॉन्ड करेंगे, जब इंडियंस रिस्पॉन्ड करेंगे हम लोगों ये दिखाएंगे कि देखो जी हिंदुस्तान हमारे लिए बहुत बड़ा एक खतरा है, तो हमारी जो गुडविल है लोगों में, लोग हमारे पीछे रैली करेंगे कि नहीं हमको इंडिया से खतरा हो रहा है, यू नो इंडिया शायद हमारे अंदर फिर से जंग शुरू कर रहा है, तो वो एक आर्मी को एक सपोर्ट और आर्मी के पीछे फिर से खड़े हो जाएंगे, एक तो उसकी कैलकुलेशन वो है। दूसरी कैलकुलेशन ये है कि पाकिस्तान में जितने भी जिहादिस्ट ग्रुप हैं आज की डेट में स्प्लिंटर्ड हैं, और ना ही वो खाली स्प्लिंटर्ड हैं, आप ये देखो कि आज की डेट में जितने जिहादी ग्रुप्स हैं पाकिस्तानी आर्मी के साथ लड़ रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में अलग जहाज चल रहा है, बलूचिस्तान में अलग जहाज चल रहा है, एवरी जिहादी ग्रुप स्प्लिंटर्ड और फाइटिंग अलोंग टीटीपी या तालिबान के साथ मिले, राइट। तो इसको ये लगता है कि अगर इंडिया का प्रेशर बनता है और एक बार फिर से पाकिस्तान में ये एस्टैब्लिश हो जाता है, एक थ्रेट हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि इंडिया जो हमारे लिए बहुत बड़ा एक थ्रेट है। बट पॉइंट ये है आदि, पाकिस्तानी आर्मी जिसका ईस्टर्न फ्रंट पे इतना श्रिंक हो रखी है, क्या आसिम मुनीर अफोर्ड कर सकता है कि वो ओपनली वेस्टर्न फ्रंट खोलेगा?